नमस्कार। विदाउट कस्टमर के मोबाइल नंबर से कस्टमर का इनवॉइस कैसे क्रिएट करें? अगर कस्टमर के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टमर का जो सेक्शन है उस पर जाना है और अल्ट जे प्रेस करना है। अदरवाइज आपको यहाँ पर 3 डॉट मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। नॉन वैल्यूड कस्टमर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कस्टमर का नाम लिखना है और सिर्फ नाम से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर ने जो भी प्रोडक्ट परचेज की है आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अगर आपको फैमिली मेंबर के लिए सेल इनवॉइस क्रिएट करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर के मोबाइल नंबर से इनवॉइस क्रिएट करना है और यहाँ पर वो कस्टमर का मोबाइल नंबर ऐड करना है। अगर आपका कस्टमर का मोबाइल नंबर एडेड है तो आपको यहाँ पर शो कर देगी सिस्टम। तो यहाँ पर वो कस्टमर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप उनके फैमिली मेंबर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बिलिंग फोर का जो ऑप्शन है उसके पास में आपको डाउन एरो की दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको न्यू ऐड फैमिली मेंबर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिलेशन सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको उनको कितना डिस्काउंट देना है और इनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर के फैमिली मेंबर के लिए इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो बिलिंग फॉर उनके जो रिलेशन है उनके फैमिली मेंबर के लिए आपने क्रिएट किया है, तो उनके जो फैमिली मेंबर आपने एडिट किए हुए हैं तो आपको सिस्टम में दिख जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की अल्टरनेटिव चेक करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर सर्च आइटम में आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी और उसके पास में आपको डार्क ए का सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप वो प्रोडक्ट की अल्टरनेटिव चेक कर सकते हो और वो प्रोडक्ट का स्टॉक आपके पास अवेलेबल है या नहीं, तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते हो। अगर कोई भी कस्टमर के लिए आपको रिफिल रिमाइंडर और पिल रिमाइंडर सेट करना है तो आप किस तरह से सेट कर सकते हो? रिफिल रिमाइंडर और पिल रिमाइंडर सेट करने के लिए सबसे पहले आपका जो सेल इनवॉइस है कस्टमर के लिए आप जो क्रिएट कर रहे हो वो कस्टमर के मोबाइल नंबर से आपको मैंडेटरी क्रिएट करना है, ताकि आप उनके लिए रिफिल रिमाइंडर सेट कर सकते हो। और पिल रिमाइंडर जो आप सेट कर रहे हो कस्टमर को कस्टमर एप्लीकेशन पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऐड करनी है, जो भी मेडिसिन आपको यहाँ पर ऐड करनी है। मेडिसिन ऐड करने के बाद आपको ऊपर की ओर सेट रिफिल रिमाइंडर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप रिफिल रिमाइंडर सेट कर सकते हो, कस्टमर को कितने दिन बाद वो प्रोडक्ट रिफिल करनी है, तो यहाँ पर वो रिमाइंडर आप सेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे की ओर आप देख सकते हो ये पिल रिमाइंडर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको टैप बटन का यूज करना है और यहाँ पर आपको कौन से टाइम ड्यूरेशन में वो मेडिसिन उनको लेनी है, तो यहाँ पर अप डाउन एरो की का यूज कर सकते हो। नेविगेटर का यूज करके आप डोजेस कम ज्यादा कर सकते हो, उनको कौन से टाइम पर वो मेडिसिन लेनी है, तो यहाँ पर आप वो टाइम के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। जिससे कि आपने ये पिल रिमाइंडर ऐड किया है, कस्टमर को कस्टमर एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि वो एग्जैक्ट टाइम पर उनकी मेडिसिन ले सके। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। नेक्स्ट, अगर आपको कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करना है, तो उसके लिए आपको इनवॉइस ब्रेकडाउन ओपन करना है। इनवॉइस ब्रेकडाउन ओपन करने के लिए अल्ट शिफ्ट एन का यूज करना है या फिर आपको यहाँ पर प्रेस करना है। तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस का लेबल मिल जाएगा, आपको जितना एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस आप ऐड कर सकते हो, वो इनवॉइस के साथ ऐड हो जाएगी। अगर आपको कस्टमर के लिए बिल डिस्काउंट और लमसम डिस्काउंट ऐड करना है, उसके लिए आपको इनवॉइस ब्रेकडाउन ओपन करना है, अल्ट शिफ्ट एन प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पर आपको प्रेस करना है। यहाँ पर आपको बिल डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पर परसेंटेज में दे सकते हो, या फिर लमसम डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर आप लमसम डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उतना पेमेंट उनका कम हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है।
सब्सक्रिप्शन ऐड करना है तो उसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करना है। तो मोबाइल एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको सेल इनवॉइस जब क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखना है, यहाँ पर मेडिसिन एंटर करनी है। मेडिसिन एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्टर के नाम के पास में आरएक्स का एक सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास गैलरी में फोटो अवेलेबल है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आप कैमरे से फोटो क्लिक करके इस तरह से आप प्रिस्क्रिप्शन एंटर कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और ये इनवॉइस आपका सेव कर देना है। आपने जो प्रिस्क्रिप्शन ऐड किया है वो आपको बाद में चेक करने के लिए सेल बटन पर क्लिक करना है। जो सेल इनवॉइस आपने मोबाइल एप्लीकेशन से क्रिएट किया था उसके पास में आप देख सकते हो यहाँ पर आरएक्स का एक सिंबल है, इसका मतलब है कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर एंटर किया है। अगर प्रिस्क्रिप्शन आपको डाउनलोड करना है तो सेल इनवॉइस ओपन कर देना है और डाउनलोड प्रिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन आप डाउनलोड कर सकते हो।